नए साल के पहले ही दिन जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी घटनाएं हुई है। रविवार को देर शाम राजौरी में आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें मरने वालों की संख्या 4 हो गई है, जबकि 5 लोग घायल है। एडीजीपी मुकेश सिंह के मुताबिक 2 आतंकियों ने 3 घरों को निशाना बनाया था। सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। इससे पहले रविवार शाम को ही श्रीनगर के हवाल चौक में आतंकियों ने सीआरपीएफ के 28वीं बटालियन के बंकर पर ग्रेनेड से हमला किया। इसमें एक नागरिक घायल हो गया। इसके अलावा सुबह पुलवामा के राजपोरा इलाके में सीआरपीएफ के एक जवान ने AK-47 राइफल छीनने का मामला उसका सामने आया। बता दें कि घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हालांकि स्थानीय सूत्रों के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 9 लोग घायल हैं।